नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। यूपी में काबा गाने के लिए जाने जाने वाली मशहूर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को अकबरपुर कोतवाली पुलिस ने 160 सीआरपीसी का नोटिस दिया है। अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान कानपुर देहात के मंडौली गांव में एक मां बेटी को जिंदा जलाए जाने के बाद से नेहा ने अपने ट्विटर हैंडल, फेसबुक और यूट्यूब चैनल से यूपी के काबा सहित कई गानों का पोस्ट कर राज्य सरकार पर कटाक्ष किया था। वही सीओ अकबरपुर प्रताप कुमार ने बताया है कि तरह तरह के ट्वीट और मौखिक शिकायत मिली कि नेहा के गाने समाज में भेदभाव और वैमनस्य पैदा कर रहे हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए उन्हें 3 दिन के भीतर नोटिस जारी किए गए हैं और साथ ही स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। नोटिस में पूछा गया है कि जिन इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये गाने पोस्ट किए गए हैं, क्या वो खुद चलाती है या कोई और चलाता है। पुलिस ने उनसे पूछा है कि जो भी गाने उन्होंने गाए हैं वह उन्होंने लिखे हैं या किसी और ने लिखे हैं, गाना लिखने और गाने का आधार क्या है। सीओ ने कहा है कि स्पष्टीकरण नहीं देने पर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। केंद्रीय बजट को जनता के हित में बताते हुए केंद्रीय कानून और विधि राज्य मंत्री बता दें कि एसपी सिंह बघेल ने बताया है कि देश में 50 एयरपोर्ट बता दें कि के लिए सरकार ने वचनबद्ध किया है। साथ ही बता दें जिसमें से 9 एयरपोर्ट यूपी में संचालित हो रहे हैं। शहरी क्षेत्र के विकास के लिए 10,000 करोड़ खर्च करने के लक्ष्य रखे गए हैं, जबकि रोजगार के अवसर देने के लिए MSMI के 9000 करोड़ का खाका तैयार किया गया है। केंद्र मंत्री का कहना है कि ग्रामीण अंचलों के लिए साथ ही शहर में भी रोजगार लोग अपने हिसाब से पा सके, इतना ही नहीं एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि कोरोना काल में भी सरकार के किसी भी भूख से नहीं मरने दिया है। देश और प्रदेश की जनता मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया, इसलिए ये बजट आम आदमी का बजट है जिससे हर वर्ग के लोगों के लिए संभावनाएं हैं और इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों को कल्याण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। 2023-24 का आम बजट ग्रीन ग्रोथ के लक्ष्य का आधार है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए आवंटित। मुझे लगता है कि अभी तो गडकरी साहब ही हाइड्रोजन वाली कार लेकर के पार्लियामेंट में आते हैं, लेकिन जब वो प्रिंसिपली बन चुकी है और सफल है तो आने वाले सालों में मैं महसूस कर रहा हूं कि आप सबके पास भी ईवी व्हीकल होंगे और हाइड्रोजन पर आधारित व्हीकल, कार या मोटरसाइकिल ही लेकर के आप 2-4 साल बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करेंगे तो आया करेंगे। सरकार का 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये बहुत ओजोन लेयर, ग्रीन गैसेस, ये विश्व की बड़ी समस्याएं हैं और भारत के प्रधानमंत्री ने हमेशा वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर हमेशा इसकी चिंता की है और उसके लिए चिंता ही नहीं किया, 35,000 करोड़ रुपये का फंड दिया गया। ऊंचाहार रेलवे स्टेशन अपनी बदहाली के बड़ा आंसू बहा रहा है। रेलवे पर पूरी तरह से बदहाली का शिकार हो रहा है। स्टेशन पर सुविधाओं पर टोटा है, यह हालात लगातार बद से बदतर होती जा रही है, जिसका खामियाजाई यहां के आने वाले यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। स्टेशन पर बने यात्रियों को टिकट वितरण के मात्र एक टिकट खिड़की है और साथ ही इसी टिकट खिड़की के दौरान आरक्षित और अनारक्षित टिकट बनता है। नतीजा यात्रियों को देर तक लाइन में लगना पड़ता है और इसी दौरान उन्हें टिकट मिल पाता है। कभी कभी लंबी कतार होने के कारण यात्रियों को टिकट नहीं मिल पाता है। स्टेशन पर बंद पड़ा एक मात्र शौचालय है जिसमें यात्रियों को, खासकर महिलाओं को, विवश होकर खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। यात्रियों के लिए शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था नहीं है। साथ ही बता दें कि स्टेशन पर तमाम तरीके की परेशानी है। स्टेशन पर बने प्रतीक्षालय और साथ ही परिसर में गंदगी और मच्छरों की भरमार है। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 पर बनी इंटरलॉकिंग धस गई है जिससे महिला, बुजुर्ग और यात्रियों को गिरकर घायल होने का खतरा भी बना रहता है। आज आप ऊंचाहार स्टेशन आए हुए हैं, किस वजह से आए हुए हैं? मैं यहाँ इलाहाबाद जा रहे हैं। इलाहाबाद जा रहे हैं, आप टिकट लिए? लिए तो, लेकिन एक ही काउंटर से लिए हैं, दूसरा काउंटर बना रहता है। भैया सीआईएसएफ का फिजिकल है।
जैसे आई साहब का फिजिकल है, तो आप स्टेशन पे रुके हुए हैं जी भाई। क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं आपको स्टेशन पे? यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत भाई शौचालय की है। अच्छा, शौचालय की सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है आपको? साफ सफाई नहीं है यहाँ पर। अच्छा, साफ सफाई बिल्कुल नहीं है स्टेशन साफ सफाई यहाँ पर। और क्या दिक्कत हो रही भाई? पानी की दिक्कत है भाई यहाँ पे, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा। और टिकट की क्या, टिकट कैसे मिल पा रहा है भाई आपको? टिकट बहुत समय के बाद बहुत भीड़ है भाई। देखता हूँ मैं, कल भी गया था अभी ऊंचाहार रेलवे स्टेशन पे, देखता हूँ जहाँ जहाँ सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही हैं, मैं देख रहा हूँ स्वस्थ भारत मिशन का कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी धज्जियाँ उड़ी, जगह जगह पे कूड़ा गंदगी मिल रही है, लोगों को व्यवस्था गड्ढे मिल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ लोग प्लेटफॉर्म पे गड्ढे मिल रहे हैं और लोगों को मतलब गंदगी मिल रही है, खुले में लोग शौचालय जा रहे हैं, शौचालय यहाँ पे जहाँ जहाँ बड़े बड़े सरकार ने योजना किया था, मतलब सबको शौचालय बनवाया था, इज्जत घर के नाम से उसको वो किया था। अरे हम ट्रेन पकड़ने मुंबई जाने वाले थे। मुंबई जा रहे हैं, टिकट लिया आपने? टिकट इधर आया था, पहले इधर मिल रहा था छोटे काउंटर पे, इधर मिले ही नहीं, अभी उधर गए, उधर वो भी मिल रहा, रिजर्वेशन भी मिल रहा, वो दो लाइन लगा है, एक ही काउंटर पे दोनों टिकट मिल रहा है, दोनों मिल रहा है, काफी देर तक खड़े थे लाइन में लगाए थे, मिला टिकट। और क्या असुविधा हो रही है? अरे अभी देर गए थे बाथरूम लगा था, एक नंबर गए थे, उधर पूरा गंदगी की वजह से कुछ समझ में नहीं आया। रायबरेली में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल मजदूर को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गौरा बाजार मोहल्ले का है, जहां पर सत्यम के बेटे राजकुमार, उम्र जिसकी 18 वर्ष बताई जा रही है, उन्होंने भवनमूर थाना भदौरा लोहे के जाल बनाने का काम करता था। घायल मजदूर गौरा बाजार मोहल्ले के एक घर पर छत डालने के लिए सरिया के जाल बना रहा था, तभी सरिया अचानक ऊपर से गिरती हुई नजर आई और इस दौरान 11,000 की हाई टेंशन लाइन की वे चपेट में आ गया। ताज महोत्सव के दूसरे दिन शिल्या ग्राम स्थित मुक्ताकाश मंच पर गायकी, सुगम संगीत कथन और नृत्य का भी संगीत देखने को मिला है। देर रात तक चलने वाले कार्यक्रम में इंडियन ओशनल ब्रेड से वहां मौजूद दर्शकों ने झूमते हुए नजर आए हैं। और साथ ही बता दें कि मुक्ताकाश मंच पर पहली बार इस दौरान अभिनय के जलवे बिखेरते हुए नजर आए, सांस्कृतिक कार्यक्रम कलाकारों के एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली और क्षेत्र अधिकारी नगर प्रथम बरेली द्वारा स्थानीय पुलिस बल के साथ ही आगामी त्यौहार पर शांति व्यवस्था और आम जन मानस की सुरक्षा की भावना जागृत रखने के लिए बरेली शहर में स्थित बैंक, एटीएम आदि की चेकिंग की गई और बैंक में लगे सुरक्षा संबंधी उपकरणों को भी चेक किया गया। साथ ही बैंक ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मी, बैंक सुरक्षाकर्मी को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। रूटीन चेकिंग है आज जेडे द्वारा और एसपी सिटी द्वारा फोर्स के साथ, जो जो मेन ब्रांचेस हैं, मेन मेन बैंक है, वहाँ पे चेकिंग करी जा रही है। एक तो इनकी जो सुरक्षा कर्मी है उनको बताया गया कि उनकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, और जो बैंक के सीसीटीवी हैं उनको चेक कराया गया कि वो काम कर रहे हैं, कि बैंक का जो अलार्म है, और जो लोग संदिग्ध लोग हैं बैंक के अंदर या बाहर या संदिग्ध गाड़ियाँ उनको भी चेक किया गया, ताकि एक सुरक्षा की भावना है, लोग अपने आप सुरक्षित रहें। लखीमपुर खीरी जिले में गन्ने का बकाया भुगतान को लेकर किसान परेशान है। वहीं परेशान किसान ने चीनी मिल में गेट पर ताला लगा दिया है। वहीं किसानों के समर्थन में पलियार तहसील के अधिवक्ताओं भी उतर गए हैं। किसान नेता जगपाल ने बताया है कि उन्होंने बताया कि नए सत्र में 293 करोड़ और साथ ही पिछले गन्ना सत्र में 99 करोड़ और साथ ही 42 लाख रुपए बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड पर बकाया है। किसान नेता का कहना है कि इस बार की लड़ाई और आर पार की होगी और जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा तब तक मिल के गेट एडमिनिस्ट्रेटिव परिसर में ताला जड़ा रहेगा। वहीं मौके पर संवेदनशीलताओं को देखते हुए पुलिस बल तैनात किए गए हैं। किसानों की समस्या को लेकर तहरीर पुलिया के अधिवक्ता गणों ने अपना समर्थन दिया है। किसानों को बता दें कि लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और ऐलान कर रहे थे कि पिछले सत्र का भुगतान होने के बाद ही चीनी मिल चलेगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है।
वहीं झांसी के बनगुआ, बता दें कि बहुरान सागर निवासी युवक अपनी पत्नी और बच्चे के साथ ससुराल से अपने घर बहुरान सागर की तरफ आ रहा था, तभी झांसी छतरपुर मार्ग पर, बता दें कि मार्ग पर मऊरानीपुर के नजदीक सामने से आ रही चार पहिया गाड़ी मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में मोटरसाइकिल सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा 108 एम्बुलेंस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस सभी घायलों का उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर लाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा घायल को, बता दें हरि ओम जिसकी पत्नी शोभा है और उनके बच्चे दीपेश को प्राथमिक उपचार के लिए लाया गया है। अपने मम्मी पापा के देश लौट के आए, मार्शल आए, सो मार्शल ने ऐसे ढका घाल दिया, सो मेरी मोटरसाइकिल घल गई, सो हम तीनों जने गिर पड़े। अच्छा, तो सबसे ज्यादा चोट किसको आई? बच्चे को आई है सबसे ज्यादा, फिर पति को आई, फिर पत्नी को। शाहजहांपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस आनंद के निर्देशानुसार अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के क्रम में क्षेत्र अधिकारी अजय कुमार राय ने पर्यवेक्षण और साथ ही प्रभारी निरीक्षण प्रदीप कुमार सहरावत के नेतृत्व में पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लगी है। पीड़ित के तहरीर पर पुलिस ने घंटों से कम समय में रहते हुए भी कार्रवाई करते हुए नकली सोना बताकर बेचकर रुपए ठगी करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। घटना में प्रयुक्त मोबाइल 2100 रुपए पुलिस ने जब्त कर लिया है। वही बता दें कि बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस मौके पर पुलिस टीम थाना असलाहगंज प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार सहरावत ने बताया है कि इस दौरान काफी मशक्कत के बाद दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। अल्लागंज की पुलिस टीम द्वारा एक ऐसे गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है जो नकली जेवरात को असली बताकर बेचकर ऊंचे दामों में लोगों से ठगी करते थे। इसमें 2 जो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं वो कन्हैया गिरी और अर्जुन राठौर है, जिनमें से कन्हैया गिरी प्रयागराज का रहने वाला है और अर्जुन राठौर आगरा का रहने वाला है। दोनों आपस में रिश्तेदार हैं और ये अल्लागंज क्षेत्र में एक झोपड़ी डालकर रहते थे और इसी तरह से घूम फिर के लोगों को नकली जेवरात को दिखाकर असली बताकर ठगी करते थे, जिसमें ये फर्रुखाबाद का निवासी था जिसके साथ ये ठगी की घटना कर रहे थे। तभी उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई संदेह होने पर, तो इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से नकली जेवरात बरामद हुए हैं जो 3,10,000 रुपये बेचना बता रहे थे। और इसके अतिरिक्त जो घटना में प्रयुक्त जो मोबाइल फ़ोन है जिससे ये लगातार जो वादी है उससे वार्ता कर रहे थे और इनके कब्जे से 2100 रुपये भी बरामद हुए हैं। इनसे गहनता से पूछताछ की गई है और इनके गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी की गई है, जिसके आधार पर हरदोई में तेज रफ्तार निजी बस ने स्कूटी बस, बता दें कि स्कूटी सवार को पीछे से टक्कर मार दी है। वहीं हादसे में छात्र छात्रा बाल बच्चे हैं और बता दें कि बस बच्चों को स्कूल ले जा रही थी, इसी दौरान यह हादसा हुआ है। बस चालक शराब के नशे में बताया जा रहा है। मामले के बाद से बस संचालक के लोगों ने पकड़ लिया है और साथ ही पिटाई की है। घटना सांडी थाना क्षेत्र के एक भट्टे के पास की बताई जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध विकास और पशुपालन योजना में भारी भरकम, बता दें कि भोजन भेजा जाता है, लेकिन आरोप है कि सरकार के नुमाइंदे ही भ्रष्टाचार के चलते सरकारी माल की चोरी करवा रहे हैं और अपने अंकुत संपत्ति इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। इसी विभाग के आला अधिकारी से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सभी संलिप्त नजर आते हैं। ऐसा एक मामला ललितपुर जनपद के तहसील महरौनी के अंतर्गत सैदपुरा कृषि क्षेत्र सामने आया है, जहां सरकार द्वारा दुग्ध उत्पाद के लिए हरियाणवी गायों को रखा जाता है, जो लगभग हजारों की संख्या में है। वहां स्पेशल नस्ल के पशु भी रखे जाते हैं, जिसके कि आसपास के क्षेत्र में लोगों को आर्थिक विकास में स्पेशल नस्ल के पशुओं की संख्या बढ़ सके। मैं ललित नलवंशी, भाजपा कार्यालय प्रभारी, मंडल बिरदा प्रभारी, जिला ललितपुर। मैंने अभी एक मुद्दा उठाया था सैदपुर फार्म का। सैदपुर फार्म में जो घोटाले, जो भ्रष्टाचार लाखों करोड़ों के हो रहे थे, जैसे कि मेरे पास अवगत आया, क्षेत्रवासियों के कॉल आ रहे थे सैदपुर फार्म से। हरिलाल है, अब इतना उसका बच्चे ही पढ़ रहे हैं और बीवी का
खर्चा चल रहा है वो भी यहाँ खर्चा कर रहा है, जमीन भी यहाँ खरीद रहा है। एक बाल्टी लेके आने वाला एक ट्रक सामान ले जाता है और 4-6 एकड़ जमीन बना लेता है। अभी तो आप पहली बार हमको बता रहे हैं इस बारे में, इसको हम देखते हैं और वहाँ के फार्म मैनेजर से इसके बारे में जानकारी करते हुए इसका संज्ञान लेंगे और जो भी वास्तविक स्थिति होगी उस पर जांच करते हुए उस कर्मचारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। श्रावस्ते में दो बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई है और बता दें कि ये भिड़ंत काफी जोरदार थी और साथ ही सवार दो महिलाएं घायल हो गई है। स्थानीय लोगों ने सहायता से कोना CHC पहुंचाया गया है। घायल बता दें कि गंभीर बताई जा रही है दोनों की और साथ ही महिला को इकोना CHC से बहराइच रेफर कर दिया गया है। घटना इकोना थाना क्षेत्र के तहसील के पास की बताई जा रही है। श्रावस्ती में तेज रफ्तार बाइक विद्युत पोल से टकरा गई जिससे बाइक सवार युवक घायल हो गया है, जिसके बाद से युवक को एम्बुलेंस से इकोना अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टर ने युवक की हालत को देखते हुए उन्हें बहराइच रेफर कर दिया। घटना नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के लोहनिया के पास ही बताई जा रही है। फरुखाबाद में दुकान बंद कर घर जा रहे युवक के साथ बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं दुकानदार ने लूट के विरोध किया और बदमाशों को धारदार हथियार से उस पर हमला कर घायल कर दिया। बदमाश दुकान बिक्री में 5800 रुपए लूट कर फरार हो रहा था। युवक घायल अवस्था में फरुखाबाद कोतवाली पहुंचा जहां दूसरे थाने का मामला बताकर कोतवाली पुलिस टकरा गई, जिसके बाद से लहूलुहान अवस्था में थाने के दूसरे थाने में पीड़ित चक्कर लगाते हुए नजर आया। मामला मौराना बाजार बता दें कि महुदरबा बाजार क्षेत्र के दिलबार जंग मोहल्ले का बताया जा रहा है। हाथरस में घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा हो गया है जिसमें स्कूल वैन और डंपर की भिड़ंत हुई है। वहीं घटना में वैन के ड्राइवर की मौत हो गई है, साथ ही 10 से अधिक बच्चे घायल हुए हैं। घटना के बाद से बच्चों में चीख पुकार मच गई। एक्सीडेंट की सूचना पर दौड़ी इलाका पुलिस ने सभी घायलों को बता दें कि अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया और साथ ही बुलेरो गाड़ी में फंसे ड्राइवर को शव को भी निकाला और इस दौरान उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। दरअसल बता दें कि एकेजुएल स्कूल में वैन बच्चों को लेकर लौट रही थी और इसी दौरान ये भीषण हादसा हुआ है। सहारनपुर में गुमशुदा बच्चे की बरामदगी की मांग को लेकर परिजनों ने मोहल्ले वासियों के साथ प्रदर्शन किया है। वहीं पुलिस ने दी गई तहरीर में बताया गया है कि कृष्णा पूरम कॉलोनी से 17 फरवरी को शाम 4 बजे करीब बता दें कि 7 वर्षीय बालक मनु राणा लापता हो गया है, जिसका आज तक कुछ पता नहीं चल पाया है। परिजनों ने बताया है कि बच्चे की गुमशुदगी को सूचना उन्होंने पुलिस को दी थी, परंतु पुलिस के द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और साथ ही गुमशुदा बच्चे के बरामदगी की मांग लेकर आज परिजनों ने मोहल्ला वासियों के साथ प्रदर्शन कर अपने रोष व्यक्त किया है और जल्द से जल्द बरामदगी की मांग भी करते नजर आए हैं। पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ एक दिन एक्टिव रहे हैं और दूसरे दिन में ठंडे पड़ गए हैं बिल्कुल, और अब 5 दिन हो चुके हैं। अगर बड़े मंत्री या बड़े विधायक का बच्चा होगा तो 24 घंटे के अंदर ला चुके होते हैं और सबूत हमसे ही मांगते हैं आगे की आप सबूत दो हमें। आप बताइए पुलिस मतलब पुलिस सरकार का काम है या हमारा काम है, ये बताइए। अगर आज भी नहीं अगर ये मिलता तो क्या करेंगे, उसके बाद हम रोड जाम करेंगे सर। रोड जाम करेंगे संत कबीर नगर में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 2 युवकों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मामला कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के एक गाँव का बताया जा रहा है। हरदोई के बलग्राम कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कटारपुर की रात लगभग 2 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। आग की लपटें देख लोगों में हड़कंप समझ गया। घर के अंदर 25 वर्षीय बमलेश और उनकी 22 वर्षीय पत्नी पुष्पा और 28 दिन की बेटी सो रही थी जो झुलस गई है। आग लगने की सूचना पर ग्रामीण और पुलिस के पति पत्नी और साथी किसी तरह बाहर निकले और बच्ची को लेकर वे निकले किसी तरीके से बाहर। बता दें कि आग से गृहस्थी का सारा सामान झलकर खाक हो गया है। CO बलराम सत्येंद्र सिंह ने बताया है कि आग लगने के कारण का अब तक पता नहीं चल पाया है।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।